सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड एक्टर जो नजर आए हैं अरमान के किरदार में शहजादा धामी, उन्हें इस शो से हटाए जाने का फैसला लिया गया है शो मेकर द्वारा, स्टार प्लस द्वारा और राजन शाही द्वारा। राजन शाही की शो की शूटिंग के दौरान अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाए जाने के चलते मेकर्स ने लीड स्टार कास्ट को हटाने का फैसला लिया। घर घर में अरमान पौद्दार के नाम से मशहूर शहजादा धामी रूही के किरदार में नजर आने वाली प्रतीक्षा के साथ इस शो से बाहर हो रहे हैं, लेकिन उनके अचानक से हटाए जाने के फैसले से फैंस काफ़ी शॉक्ड है। ऐसे में शहजादा धामी ने खुद अरमान के किरदार को लेकर, शो से हटने को लेकर रिएक्ट किया है और इंटरव्यू में कहा, जाहिर तौर पर उन्हें लेकर बातें कही जाएंगी लेकिन वो शो में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उन पर ये आरोप लगा कि क्रू के साथ बदसलूकी करते थे वो, और वार्न किए जाने के बावजूद, राजन शाही की धमकी के बावजूद उनका ये रवैया नहीं बदला और लगातार नियमों को फॉलो करने से वो इनकार करते थे, लगातार नखरे दिखाते थे और इसी कारण से ही उन्हें इस शो से हटाने का लिया गया फैसला, जिसे सरासर गलत मान रहे हैं शहजादा धामी। नेक्स्ट 9 लाइव से ट्रिप्टिक रिपोर्ट।